यू आर वॉचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आज रात के एपिसोड में सियाली को पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक कार वॉशर का काम कर रहा है अपार्टमेंट में। उसने अपना काम का जो लेवल है वो गिरा दिया है, जिसकी वजह से सियाली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो लोग सचिन को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुमने कार में से मोबाइल चुराया ना, जब कार का ओनर नहीं था। तभी वो लोग सचिन से कहते हैं तुमने चोरी की जबकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सचिन कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कहाँ है फ़ोन। वो कहता है कि ये सब तो तुम्हारे साथ सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी देखो हम पुलिस बुलाएंगे और तब तुमसे उगलवाएंगे कि तुमने फ़ोन का क्या किया। वो कहते हैं कि हमें तुम्हें चेक करना है, हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। सचिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं अपनी बॉडी किसी को टच नहीं करने दूंगा। सेम टाइम पर सिक्योरिटी गार्ड मोबाइल हैंडओवर करता है ओनर को, जिससे प्रूव हो जाता है कि सचिन ने कुछ गलत नहीं किया। वो कोशिश करता है उन सबको अपनी गलती रियलाइज़ करवाने का। वो कहता है कि मैंने आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सियाली आती है ऑफिस बिजनेसमैन के, जहां से सचिन ने कार ली थी, लेकिन वो अलाउड नहीं की जाती है फर्स्ट टाइम। थोड़े टाइम के बाद वो परमिशन लेकर आती है सिक्योरिटी से बिजनेसमैन से मिलने की। मीनवाइल वो यहां पर अपने फादर इन लॉ को बुलाती है। वो कॉल करती है, पूछती है आपने लंच खाया। परेश प्रॉमिस करते हैं कि मैं खुद ले लूँगा खाना। सियाली एडवाइस करती है कि मैं उस आदमी के पास आई हूँ जहाँ पर सचिन ने काम किया था और अपनी गाड़ी गिरवी रखी थी। वो कहती है कि ताकि मैं उससे पीसफुली बात कर सकूँ। किचन में आकर परेश अपने लिए खाना लेता है। वो नोटिस नहीं करता कि एक छिपकली खाने के में गिर जाती है। जैसे ही वो खाना खाने लगता है तभी अचानक से सचिन काम से लौट आता है और वो पूछता है कि बाड़ा तू इतनी जल्दी काम से लौट आया। सचिन कहता है अपने पापा से कि हाँ मैं खाना दे दूं। परेश कहते हैं मैंने ले लिया, सियाली और रेनू का घर में नहीं है। सचिन यहाँ पर अपने लिए खाना लेता है। जैसे वो नोटिस करता है छिपकली या प्लेट पर, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से दौड़ता है और परेश के हाथ से खाना गिरा देता है। परेश समझ नहीं पाता आखिर ये हुआ क्या। सचिन रोता है और उसके गले लगाता है, कहता है बाबा तूने खाना तो नहीं खाया। तभी थोड़ी देर के बाद परेश बताता है कि आखिर तुझे हुआ क्या है, सचिन तो कुछ बोलेगा। तभी यहाँ पर सचिन कहता है कि बाबा वहाँ पर छिपकली है। इधर रेनुका आ जाती है, उसे पता चलता है ये सब। वो कहती है कि खाना तो खुद सियाली ने बनाया था। वो ब्लेम करती है सियाली को कि हमेशा चीज़ें खराब करती है। इधर शकुंतला को पता चलता है कि ये सब कुछ रेनुका की गलती है क्योंकि उसने खाना ढका नहीं था जब उसने बाकियों को खिलाया था। सियाली आती है थोड़े टाइम के बाद और यही होगा आज रात के एपिसोड का एंड। क्या होगा कल आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए।